निकटवर्ती क्षेत्र बंगाली कॉलोनी में फैल रहे डायरिया को लेकर स्वास्थ्य महकमा तत्काल अलर्ट मोड पर आ गया है। बीते दिवस स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा अभियान चलाया था, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग डायरिया से संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और दवाइयों का वितरण किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए स्वास्थ्य विभाग के ACMO डॉक्टर कुमोद पंत टीम के साथ लालकुआ के बंगाला कॉलोनी क्षेत्र में पहुंचे और आवश्यक जानकारी ली। सबसे पहले तो हमारी यहाँ PSC मोटाहल्दू है, सारी डायरेक्शंस वहाँ पहुँचती हैं और जो भी पेशेंट आ रहे हैं, बहुत पेशेंट तो नहीं है, मैंने भी देखा अभी यहाँ पे से हमारे लालकुआ अस्पताल में भी 4 ही पेशेंट इंडोर हैं, वो भी बहुत सीरियस नहीं है, सिंपल डायरिया है। और यहाँ पे हम लोग कल भी हमने कैंप लगाया था, बहुत पेशेंट रजिस्टर्ड नहीं थे, आज भी ये 4-5 ही हैं जो कि नॉर्मल है, कोई ऐसा आउटब्रेक तो मेरे को लग नहीं रहा है, लेकिन बाकी हम लोग लगे हुए हैं। जैसे भी जिस हिसाब से होगा फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। टीम को अलर्ट मोड में रखा गया है, हाँ वितरण सारी दवाइयाँ हैं अवेलेबल है ना, जो ओरल दवाइयाँ हैं वो तो हम यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी जो सीरियस लगेगा उसको अस्पताल में ले आके वहाँ पे उसका समुचित उपचार। ये पानी के वजह से है, इन्फेक्टेड वाटर हो गया या आपने गलत कोई खान पान में हो गया उसमें इन्फेक्शन है, उसका कारण मेनली अभी हमने वाटर सैंपल ले रहे हैं, हम लोग स्टूल सैंपल ही भेजेंगे, बाकी आगे रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, लोगों को साफ पानी पीना चाहिए, पानी को बॉयल कर लो आप, उसमें ड्रॉप्स डाल लो, उसके ब्लीचिंग का इस्तेमाल करो, स्वच्छ पानी पियो, पानी को जमा मत करो, यही सब चीज़ें हैं।